Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jummah al-Mubarak ki fazilat mein hadith shivati jo musalman Jummah al-Mubarak ke din apne ghar mein ghusl kare aur miswak wala wuzu kare khushbu lagaye wa masha aur paidal chal kar aaye wadan al-imam aur imam ke qareeb aakar baithe ab ye tabhi mumkin hai jab pehle aayega na dhyan karega to mumkin hai na chale jana hai to chale jana fir aakhir mein jagah milegi aur us waqt milegi jab farishte daftar band karke to wo is khutba sunne ke liye baith jayenge nahi jo wuzu kare guswa miswak wala aur ghar se chale ghusl karke paak saaf saaf sutre kapde pehne khushbu laga ke paidal chal kar aaye aur imam sahab ke qareeb baithe to pyare aqa kareem alaihi salatu wasalam apni is pyare pyare ummati ke liye kya farmate hain fama jo mera pyare pyare ummati is tarah ehtimam karega aur masjid mein aayega jumat mubarak ke din aur imam ke qareeb aakar baithega jitne kadam chal kar aayega har kadam ke badla mein ek saal ke rozon aur ek saal ki raaton ke qiyam ka sawab allah taala ta farmayega subhanallah काम कितना किया है अबू जी ने बोर करा दिया था 400 फुट और मोटा सा पाइप लगा दिया था अबू जी ने मजे से नहा रहे हैं ठंडे पानी से बेगम साहब ने कपड़े इस्त्री कर दिए 5 रुपए खर्चे में मिसवाक के 10 रुपए और थोड़े से हाथ को लाया वर्क किया क्योंकि वर्क के बगैर कुछ नहीं है अल्लाह पाक ने चील बनाई है अल्लाह पाक ने कौवा बनाया चिड़िया तोते बनाए हैं वो काम करते हैं परों से उड़ते हैं पंजों से टानियाँ पकड़ते हैं आंखों से अपना शिकार देखते हैं और चोंच से अपनी रोटी खाते हैं उनको वर्क पर लगाया वो हड आराम नहीं है कोई चील हड आराम नहीं है कोई कौवा हड आराम नहीं है सब मेहनत करते हैं और कभी सवेरे 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 जाओ यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ चले जाओ या पीले गुजरा शरीफ चले जाओ या शरपुरी शरीफ चले जाओ या किसी और मुकदस बस्ती की तरह चले जाओ तो सवेरे से नाश्ता करने के लिए कौवे सड़कों पर बैठे होंगे सबसे पहले नाश्ता कौवा करता है बड़ा लालची है लेकिन मेहनत करता है कौवा मेहनत करता है चोंच से खाता है पंजा पकड़ता है पंजे से पकड़ता है परों से उड़ता है मेहनत करता है खा लेता है ना जो मेहनत करेगा घर से चलेगा गुसल करेगा वुजू करेगा मिसवाक करेगा और पैदल चल कर आएगा और अगर पगड़ी बांधेगा तो गुस्वा करेगा तो यकीन जानो लाखों नमाजों का सवाब होगा वो अलहदा है लेकिन ये कदम कदम पर आने 100 कदम आया तो 100 साल के रोज़ों और 100 साल की रातों के क़याम का सवाब मिलेगा सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है कि गुसल करना है मिसवाक वाला वजू करना है खुशबू लगानी है साफ कपड़े पहने और इमाम पास इमाम साहब के पास आके बैठो आज आपने घर जाना है और घर जाके अगर आपकी जौजा आई है तो सुन रही होगी अगर नहीं तो बीवी को अम्मी जान को भाई को बाप को बेटे को सब को जाके आज सुना देना कि हमने सुना है कि मस्जिद जन्नत का बाग है जो वज़ू करके आएगा जुमा के दिन उसको ये सवाब मिलेगा